व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक हो जाकर तुम सभी लोग आज के वीडियो में। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो गाइस, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने ये वाला जो विलेज है वो ढूंढा था और थोड़े से बेसिक से टूल्स बना लिए थे। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले माइनिंग पे और कलेक्ट करने वाले बहुत सारे डायमंड्स को और बनाने वाले फुल सेट डायमंड का आर्मर। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे इस गोलम को मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए आयरन, क्योंकि मुझे बनाना है शील्ड और एक स्वॉर्ड। तो गाइस, इस गोलम ने मुझे 4 आयरन दिए तो इससे मेरा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। और यार, इधर मुझे थोड़ा सा वुड काटना पड़ेगा क्योंकि यार मेरे सारे के सारे प्लैंक्स खत्म हो चुके हैं। सो गाइस, यार ये बन गई मेरी शील्ड और ये गई है मेरी स्वॉर्ड। तो गाइस, अभी थोड़ा सा खाना कलेक्ट करने चलते हैं क्योंकि गाइस ये बहुत सारे मॉब्स आने वाले हैं और हमें खाने की सख्त कमी पड़ने वाली है। और गाइस, हमारे विलेज में बहुत सारे हेबल्स पड़े हुए हैं तो खाने की भाई कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस, मैं तुम लोग को मिलता हूँ खाना कलेक्ट करने के बाद। और गाइस, इधर काम करते करते रात हो चुकी है तो अभी मुझे यार सोने जाना पड़ेगा और फटाफट से यार दिन करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और ये हमारा खाना भी यार इधर रेडी हो चुका है। और गाइस, अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है माइनिंग पे जाने के लिए। गाइस, इधर मैंने गड्ढा खोद लिया है और अभी हम लोग जाने वाले सीधा वाई लेवल -58 पे डायमंड की माइनिंग के लिए। गाइस यार, मेरे को मेरे वर्ल्ड के पहले डायमंड जो है वो दिख चुके हैं भाई, देख सकते हो ऊपर से खोदते हुए आ रहा था, इधर डायमंड्स मिल चुके हैं। तो देखते हैं यार ये कितने डायमंड्स है। सो गाइस यार, ये है टोटल 5 डायमंड्स। और भाई, इधर एक प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि यार मेरे पास एक भी आयरन की पिकैक्स नहीं है तो मैं इसको ले भी नहीं सकता। गाइस, मैंने इधर उधर खोद के भी देख लिया, इधर एक भी रॉ आयरन का टुकड़ा नहीं है भाई। गाइस यार, ये वाला जो डायमंड्स है मेरे विलेज के बहुत ही पास में है तो मैं इसको बांध में माइन कर सकता हूं भाई, तो मैं इसको फिलहाल के लिए अभी इधर ही छोड़ता हूं और हम अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो गाइस यार, इधर मुझे केव मिल चुकी है भाई, देख सकते हैं ऊपर से खोदते हुए आ रहा हूं और नीचे मुझे केव मिल चुकी है भाई। और भाई, केव में जाने का अभी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, पर इस केव में हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि यार ये बहुत बड़ी केव है और बड़ी केव में अक्सर डायमंड बहुत जल्दी मिल जाते हैं। गाइस यार, इस केव में तुम डायरेक्ट नहीं कूद सकते क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी केव है और बहुत हाइट वाली केव है, अगर हम डायरेक्ट कूदेंगे तो हमारे आधी एचपी तो ऐसे ही चली जाएगी। गाइस यार, मेरे को उस वाली साइड से जाना पड़ेगा केव की एज से क्योंकि यार उधर हाइट कम है और मैं सेफली केव के अंदर जा सकता हूं। और गाइस यार, मुझे ब्रिजिंग करके नहीं जाना मिला क्योंकि यार इधर बहुत सारे स्केलेटन्स है जो कि मुझे यार मार देंगे और नीचे गिरा देंगे, तो भाई मैं ब्रिजिंग करके नहीं जाने वाला हूं। गाइस, मैं इस केव की एज पर तो आ चुका हूँ पर इधर बहुत सारे मॉब्स है और केव इतनी बड़ी कि आगे का तो रेंडर ही नहीं हो रहा। और गाइस, इन मॉब्स ने तो मेरी आधी एचपी तो इधर ही खत्म कर दी है। अभी मुझे एक आयरन के आर्मर की सख्त जरूरत है ताकि मेरे को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। तो गाइस, इधर बहुत सारी मारामारी करने के बाद आयरन तो मेरे को मिल चुके हैं। और गाइस, बड़ी वाली केव में तो एक माइनशाफ्ट भी है, उस माइनशाफ्ट में अभी हम लोग नहीं जाने वाले, अभी हम लोग को आयरन की माइनिंग करनी है। तो गाइस यार, इधर एक ज़ॉम्बी ने तो यार मेरे सारे के सारे हार्ट जो है वो खा लिए भाई, मेरे पास ही 4 ही हार्ट बचे तो मेरे को इधर जमीन के अंदर गड्ढा खोद के हार्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो गाइस यार, मैं मॉब से बचते बचते कोने में आ चुका हूं पर इधर एक ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है तो इससे मेरे भाई हाफ हार्ट कर दिए, तो मेरे को अपनी हेल्थ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और यार, अगर मैंने क्राउच नहीं किया होता तो वो ज़ॉम्बी मेरे को पीछे लावा में फेंक देता और मेरा भाई इधर ही खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने कुछ हद तक अपने जो हार्ट से वो बढ़ा लिए और इधर मैं अंदर चलता हूँ इस केव के जो कि अंदर जा रही है और इधर आयरन है भाई और ऊपर यार माइन शाफ्ट है यार। अभी तो फिलहाल के लिए मैं ये आयरन माइन करने वाला हूँ क्योंकि यार मेरे पास बहुत सारे आयरन हो चुके हैं और मैं एक आयरन का आर्मर तो जरूर से बना सकता हूँ। गाइस यार, मैं अपना काम कर ही रहा होता हूँ कि इधर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और इसने मेरे को 3 हार्ट पे लाके छोड़ा है भाई। गाइस, मैंने अपने जो आयरन है उसको स्मेल्टिंग में डाल देता हूँ और देखते हैं भाई कितने देर में ये स्मेल्ट होता है। गाइस यार, 3 आयरन तो स्मेल्ट हो चुके हैं तो मैं इससे एक आयरन की जो पिकैक्स है वो बनाने वाला हूं ताकि भाई मैं डायमंड वगैरह को माइन कर सकूं। तो गाइस यार, इधर एक आगे भी एक केव जा रही है तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। और गाइस यार, इधर तो एक रेडस्टोन पड़ा हुआ है और आगे से तो भाई एक ज़ॉम्बी आ रहा है तो फटाफट से मैं इसको निपटा देता हूं। और भाई, ऊपर से तो मैं माइन शाफ्ट का जो रास्ता है वो मिल चुका है और भाई इधर तो लैपिस लाजुली है भाई, इसको माइन करते फटाफट से। गाइस, अंदर थोड़ा सा और लैपिस लाजुली है तो इसको भी माइन कर लेते हैं। और भाई, इधर तो रेडस्टोन भी मिल गया।
और भाई अपने मैं वही वाले वो लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने अपने आयरन रखे थे, और इधर मेरे सारे के सारे आयरन जो है वो स्मेल्ट हो चुके हैं। अभी मेरे पास तो थोड़ा सा ही आयरन आया है, तो मैं इससे एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहे, और भाई इसको मैं पहन लेता हूँ। गाइजर मेरे पास बहुत सारा कूड़ा हो चुका है, तो मैं इसको लावा में फेंक देता हूँ। गाइजर मैं वापस से वही वाली माइनशाफ्ट में आ चुका हूँ, और मैं फटाफट से यार इस केव में अंदर भागता हूँ क्योंकि यार पीछे स्पॉनर है और मैं किसी मारामारी करने के मूड में नहीं हूँ अभी। गाइजर इधर तो बहुत सारा आयरन है, तो फटाफट से मैं इन सबको माइन कर लेता हूँ, इधर मेरा आराम से पूरा आर्मर कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइज मैंने इसी तरीके से बाकी का आयरन माइन किया और उसको स्मेल्ट किया और उससे आयरन का आर्मर बना लिया। गाइस यार हमारा जो आयरन का आर्मर है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइस यार अभी हम अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और चलते हैं आगे केव में। गाइस यार इधर तो आगे भी केव जा रही है, पर मैं इसका रास्ता बंद कर देता हूँ ताकि कोई मॉब्स ना आ पाए। तो गाइस यार इधर तो ऊपर भी रास्ता जा रहा है और इधर माइनशाफ्ट है भाई, तो फटाफट से इस माइनशाफ्ट में चलते हैं। गाइस यार इधर मुझे थोड़ा सा खाना खाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर मॉब्स भी हो सकते हैं और वो मेरे को टपकाना दे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा खाना खाना पड़ेगा। और गाइस हम ऊपर तो आ चुके हैं भाई, इधर तो कोई नहीं है और इधर चेस्ट है भाई। चेस्ट के अंदर देखते हैं यार क्या क्या लूट पड़ी हुई है। तो इसके अंदर भाई पड़े बहुत सारे टॉर्चेस और इधर आयरन भी बहुत सारे पड़े, तो फटाफट से लूट लेते हैं। और मैं इसके अंदर सारा का सारा कूड़ा कचरा भी डाल देता हूँ। तो गाइस यार मैं इधर से थोड़ी सी पटरियां उखाड़ लेता हूँ, मेरे को आगे काम आएगी। और मैं इधर से थोड़े से प्लैंक्स भी उखाड़ लेता हूँ। गाइस यार केव में घूमते घूमते मेरे साथ कुछ ये होता है। गाइस यार अगर मैंने इधर अपना क्राउच नहीं किया होता तो भाई मैं अभी मर चुका होता। तो गाइस यार इधर एक चेस्ट है, इसके अंदर भाई बहुत सारे टॉर्चेस है, इधर थोड़ा सा कोल है और इधर भाई गोल्डन एप्पल है यार। और गाइस ये वाली केव तो सीधा बाहर वाली केव के साथ मिल रही है, और भाई मेरे को उधर जाने का कोई मूड नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए बंद करता हूँ। इधर की साइड में बंद कर देता हूँ, इधर थोड़े से आयरन पड़े उसको माइन करता हूँ। तो गाइस यार मैंने इधर का सारा आयरन जो है वो लपेट लिया और अभी चलते हैं बाहर की साइड। मैं इधर बाहर की साइड तो आ चुका हूँ भाई, ये बहुत बड़ी सी केव मेरे को वापस ही मिल चुकी है, और भाई मैं इधर जाने तो पड़ेगा भाई, क्या ही कर सकते भी, माइनिंग तो करनी है। और इधर आयरन पड़े तो आयरन को भी लपेट लेता हूँ फटाफट से। और भाई नीचे गिर गया भाई, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा लेने। और भाई नीचे तो कूद चुका हूँ मैं, और आगे तो भाई बहुत बड़ी केव है और पीछे लावा है, और भाई मेरे को ये बड़ी वाली केव के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो चलते भाई इस बड़ी वाली केव के अंदर। और इधर आते ही मेरे ऊपर बहुत सारी मॉब ने हमला कर दिया, तो भाई मैं फुल स्पीड में यार भाग रहा हूँ। इधर मैं भागते भागते कोने में घुस चुका हूँ, और उसके अंदर भाई मैंने वाटर बकेट भी बना ली है। इधर तो डायमंड्स भी पड़े भाई, फटाफट से इन डायमंड्स को माइन करते। इधर तो भाई कितना डायमंड्स है यार, एक ही डायमंड मिला भाई। इधर स्पाइडर ने हमला करते भाई, बहुत सारे मॉब्स है इधर। और भाई ये क्रीपर आ रहा है, तो मैं अपनी शील्ड को जो है अभी रखा हूँ, तो और भाई साहब सारे के सारे मॉब जो है वो मर चुके हैं। और फटाफट से मेरे को वो जो डायमंड है नीचे वाला वो मेरे को उठाना पड़ेगा। और गाइस यार मैं थोड़ी सी अपनी हेल्थ जो है वो बढ़ा ली, और फटाफट से इन डायमंड्स को मैं उठा लेता हूँ। और नीचे भी एक डायमंड पड़ा है भाई, दो डायमंड है, और फटाफट से मेरे को भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे मॉब्स पड़े। तो गाइस मेरे पीछे जो मॉब्स पड़े थे उनको तो मैंने निपटा दिया, और फटाफट से मैं वो डायमंड उठाने वाला हूं जो कि मेरे नीचे थे। गाइस इधर एक क्रीपर फट चुका था, तो इधर ऐसा हाल हो चुका है, और इधर मेरे को मेरे डायमंड जो दिख चुके भाई, देख सकते हो एक ही डायमंड मिला, और टोटल हमारे पास हो गए टोटल दो डायमंड। गाइस यार केव को एक्सप्लोर करते करते मैं गिर जाता हूँ एक ऐसे खड्डे में जो कि भाई बहुत ही ज्यादा गहरा था, और नीचे तो भाई लावा भी था। गाइस इस खड्डे ने तो मेरी बहुत सारी हेल्थ जो है वो गिरा दी है, तो मेरे को भी खाना खा के अपनी जो हेल्थ है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो गाइस मैं इधर का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई मॉब्स वगैरह ना आ पाए, और मैं अभी इस केव माइनिंग को जो है वो बंद करता हूँ और स्टार्ट करने वाला हूँ स्ट्रीट माइनिंग को। गाइस मैंने इधर का जो लावा है उसको भी मैंने ऑब्सीडियन बना दिया ताकि मैं आराम से माइनिंग कर सकूं। गाइस अभी फिलहाल हमारा जो वाई लेवल चल रहा है वो चल रहा है -54, तो हमें जाना है -58 पर डायमंड की माइनिंग के लिए। गाइस यार हमारी जो स्ट्रीट माइनिंग है वो मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया है -58 लेवल पे, और देखते हैं हमारे डायमंड्स कब मिलते हैं। गाइस यार मेरे को मेरे जो डायमंड है वो मिल चुके हैं, और ये डायमंड मेरे को मिले वाई लेवल -53 पे, क्योंकि यार मेरे को नीचे एक भी डायमंड नहीं मिला, तो यार मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया, मेरे को डायमंड मिल चुके थे। देखते हैं फटाफट से ये कितने डायमंड्स हैं। गाइस यार ये टोटल 4 डायमंड्स, और भाई मेरे पास तो 2 डायमंड पहले से थे, मतलब कि मेरे पास टोटल हो गए 6 डायमंड। और डायमंड का आर्मर बनता है 24 डायमंड से, मतलब कि यार हमें टोटल भाई बहुत सारे डायमंड चाहिए होंगे अभी तो। और अब मैं अपनी आगे की माइनिंग को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस यार लगभग 30 मिनट के माइनिंग के बाद मेरे को वापस से डायमंड्स मिल चुके हैं, तो देखते हैं कि यार ये कितने डायमंड्स हैं। तो गाइस यार ये है टोटल 4 डायमंड्स, तो फटाफट से इनको माइन करते हैं, और हमारे पास हो गए टोटल 10 डायमंड। गाइस यार इधर तो एक और डायमंड है भाई, फटाफट से इसको माइन करते हैं, हमारे पास हो गए टोटल 11 डायमंड। गाइस इन सबको बंद करते हैं और फटाफट से हमारी जो माइनिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। गाइस यार मुझे माइनिंग करते करते केव दिख चुकी है, और इसके अंदर भाई मैं जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि भाई अभी मैं केव माइनिंग को बंद कर दिया हूँ, अभी मैं स्ट्रीट माइनिंग ही करूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं और किसी और डायरेक्शन में माइनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार मैं अभी थोड़ा सा पीछे आ चुका हूँ, इधर से मैं अपनी माइनिंग को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो
गाइस यार मेरे को लगभग आधे घंटे के बाद डायमंड्स मिल चुके और ये डायमंड मैंने ट्रिक लगा के ढूंढे है भाई, देख सकते हो यार ऐसे ऐसे माइनिंग किया मैंने और मेरे को इधर डायमंड जो है मिल चुके हैं। गाइस यार अभी देखते हैं कि ये कितने डायमंड्स हैं। और गाइस आप भी इस ट्रिक को यूज करके 1.19 के अपडेट में बड़े आराम से डायमंड्स को जो है वो फाइंड कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमारा जो लक है वो थोड़ा सा कम चल रहा है क्योंकि भाई मेरे को सिर्फ एक ही डायमंड मिला है और हमारे पास हो गए टोटल 12 डायमंड। और गाइस अब अपने माइनिंग को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। गाइस यार मैंने वापस से स्ट्रेट माइनिंग को जो है स्टार्ट कर दिया था और मेरे को वापस से केव मिल चुकी है। तो गाइस यार अभी फिलहाल के लिए मैं इसको साइड से बंद कर रहा हूँ, अपनी जो माइनिंग को जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस यार लगभग एक घंटे के बाद मुझे वापस से डायमंड्स मिल चुके हैं और ये मैं क्राउच करके भाई माइनिंग कर रहा था, वो भी वाई लेवल -59 पे। और देखते हैं भाई ये कितने डायमंड्स हैं। गाइस यार ये मुझे लग रहा है कि 6 डायमंड्स है, तो फटाफट से हमारी जो आयरन की पिकेक्स है वो निकालते हो, इसको माइन करके देखते है कि ये कितने डायमंड्स है। 1 और ये 2 और ये 3 और भाई ये 4 डायमंड्स है। और गाइस हमारे पास हो चुके हैं टोटल 16 डायमंड्स और अब हम अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यार अभी मैं अपनी डायमंड की एक पिकेक्स बनाने वाला हूं और एक एन्चेंटमेंट टेबल लगा के उसके ऊपर फॉर्च्यून 3 लगाने वाला हूं क्योंकि भाई फॉर्च्यून 3 से हमें थोड़े से ज्यादा डायमंड मिलेंगे। और एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए मुझे चाहिए ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन बनाने के लिए यार मुझे चाहिए लावा, तो मैं उस वाली केव के अंदर जाने वाला हूँ जो कि मैंने बंद की थी। तो गाइस मैं उस वाले केव के अंदर तो आ चुका हूँ, इधर मेरे को सारा का सारा लावा जो है वो ऑब्सिडियन बनाना पड़ेगा और एक डायमंड की पिकेक्स बना के मुझे एक एन्चेंटमेंट टेबल को बनाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं इधर का जो एरिया है उसको बंद कर देता हूँ, फटाफट से मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ। तो गाइस मैंने एक पिकेक्स तो बना लिया डायमंड की और फटाफट से मैं इन सारे के सारे ऑब्सिडियन को कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस यार मैंने अपनी एन्चेंटमेंट टेबल को तो बना लिया, इसके अंदर फटाफट से अपनी पिकेक्स रखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या एन्चेंटमेंट मिल रही है। तो गाइस यार मेरे को फॉर्च्यून वाली एन्चेंटमेंट तो मिली नहीं, तो मैंने इसके ऊपर अनब्रेकिंग 1 लगा दी है। तो गाइस यार अब अपनी माइनिंग को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यार बहुत देर बाद मेरे को डायमंड फिर से मिल चुके हैं और देखते हैं कि ये कितने डायमंड्स हैं। तो गाइस यार ये है टोटल 3 डायमंड्स और फटाफट से मैं इनको माइन कर लेता हूं और अपनी जो माइनिंग है उसको कंटिन्यू करता हूं। गाइस यार अभी मेरे को भाई एक घंटा माइनिंग करने के बाद एक भी डायमंड नहीं मिला, तो अभी भाई मैं वापस से यार घर जाने की यार सोच रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिला है और एक घंटा भाई माइन कर दिया है और मेरी जो टॉर्चिस है वो भी यार खत्म हो चुकी है। गाइस अभी मेरे को नहीं लगता कि अभी मेरे को यार कोई भी डायमंड मिलने वाला है, फटाफट से हम लोग यार ऊपर की साइड में माइन करके चलते हैं ऊपर। तो गाइस यार इधर पहले तो अब हम लोग बेड लगा के चेक कर लेते हैं कि ऊपर रात तो नहीं हो गई, अगर रात हो गई होगी तो भाई ऊपर माउस मेरे को खत्म कर देंगे। भाई अब हम लोग ऊपर की साइड में माइनिंग करना चालू कर देते हैं भाई। तो गाइस यार मैं ऊपर की साइड माइन कर ही रहा होता हूँ कि मेरे को दिखता है कि एक ऐसा चमत्कार जिससे मेरे को भाई मैं पूरा का पूरा हैरान हो गया। सो गाइस यार ऊपर ये डायमंड जो है मेरे को मिल चुके हैं भाई। यार गाइस ऊपर मैं माइन करते हुए जा रहा था और ऊपर डायमंड मिल गई यार। तो गाइस यार आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने इधर क्रिएटिव करके ये जो डायमंड है वो चिपका दिए, लेकिन नहीं भाई, ये सीड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस सीड को डाल के भाई इस कोऑर्डिनेट पे आओगे तो आपको ये डायमंड असलियत में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए भाई देखते हैं कि ये कितने डायमंड है। गाइस यार ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि ये कितने डायमंड्स है, मेरे को इसको माइन करके ही देखना पड़ेगा। तो गाइस यार मेरे पास हो गए हैं टोटल 28 डायमंड्स, मतलब कि यार मेरे को 14 डायमंड्स मिले यार इधर से। भाई इससे तो मेरे आर्मर और टूल्स आराम से बन जाएंगे यार। तो भाई हम लोग वापस से हमारी जो ऊपर वाली माइनिंग है उसको कंटिन्यू रखते हैं और हम फटाफट से हम लोग ऊपर जाते हैं। सो गाइस यार हम लोग यार ऊपर तो आ चुके हैं और भाई हम लोग नदी में स्पॉन हुए हैं यार, नदी के अंदर भाई ऊपर आ चुके हैं और अभी हमारा जो मेन टास्क होने वाला है वो होने वाला है हमारे विलेज को ढूंढना। तो अभी के लिए यार मेरे को लगता है कि इधर रात हो रही है इसलिए भाई इधर बारिश हो रही है बहुत सारी। अभी यार फटाफट से हमारे जो विलेज के कोऑर्डिनेट से मेरे को याद है तो फटाफट से उधर चलते हैं। और गाइस मैं वापस से आ गया हूँ हमारे विलेज में और फटाफट से मेरे को सोना पड़ेगा क्योंकि इधर रात हो रही है और बारिश भी बहुत खतरनाक वाली हो रही है, तो फटाफट से मैं घर पे घुस के सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और फटाफट से मैं अभी जाने
जाने वाला हूँ एक बड़े वाले से घर में जहाँ पे होगी एक चैट, उसके अंदर भाई मैं अपना सारा का सारा जो सामान है वो डालने वाला हूँ। गाइस टेम्पररी में सारा का सारा सामान इस चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, बाद में इसको मैं इधर से उठा लूंगा। गाइस मैंने इसके अंदर सारा का सारा सामान तो रख दिया और अभी हम लोग फटाफट से जाने वाले जहाँ से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि भाई वहाँ पे यार 5 डायमंड मैंने यार छोड़ दिए थे, तुमने अगर पूरा वीडियो देखा हो। और गाइस मैंने अपने साथ कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ले लिए ताकि कोई काम आए तो मैं उसको यूज कर सकूं। और फटाफट से मैं इधर पानी डालता हूं और फटाफट से हम लोग नीचे चलते हैं। और भाई मैं नीचे तो आ चुका हूं, तो फटाफट से इन सारे डायमंड्स को हम लोग कलेक्ट कर देते हैं, फटाफट से हम लोग ऊपर चलते हैं। और गाइस मैं ऊपर तो आ चुका हूं, तो फटाफट से हमें यार एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है और भाई हमें बनाना है आर्मर और टूल्स। तो हमारे पास हो चुके भाई 33 डायमंड, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है यार। गाइस इधर तो क्राफ्टिंग टेबल तो बन चुकी है, तो फटाफट से हमें पहले बनाना है एक हेलमेट, तो ये हेलमेट हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद जाएगी मेरी चेस्ट प्लेट, उसके बाद जाएगा मेरा लेगिंग्स और उसके बाद जाएगी मेरे बूट। एंड गाइस हमारा जो आर्मर बन चुका है, तो अभी फटाफट से हम लोग अपने टूल्स जो है वो बना लेते हैं। पहले हम लोग एक एक्स बनाएंगे, पिक एक्स हमने यार पहले से बना रखी है, और इधर हम लोग एक स्वॉर्ड भी बनाने वाले। सबसे पहले यार अपने जो आर्मर है उसको उतारते हैं और भाई साहब ये जो नया वाला आर्मर है उसको पहनते हैं। गाइस यार हमारा जो डायमंड का आर्मर है और टूल्स है वो बन चुके हैं, तो यार वीडियो भी बहुत लंबी बन चुकी है, तो इधर ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को यार अगले वाले अमेजिंग वाले वीडियो में। आज की वीडियो में यार हम लोगों ने जो डायमंड का आर्मर है और टूल्स है वो कंप्लीट कर लिए, तो अगले वाली वीडियो में अभी क्या करेंगे वो तो अगले वाली वीडियो में सोचेंगे। तो अभी के लिए भाई फटाफट से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगले वाले अमेजिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।